हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ टॉप 5 कार गेम्स फॉर एंड्रॉइड। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बढ़िया गेम्स लेके आया हूँ आपके लिए। एंड काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, काफ़ी लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि यार थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ रेगुलर आ सके। तो इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक्स, तो लाइक्स कंप्लीट करवा देना। एंड चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, पास में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं किसी देरी के। तो दोस्तों लिस्ट में नंबर 5 पे गेम आता है, उसका नाम है ड्राइविंग स्कूल 2017। इस गेम के साइज की बात करते हैं तो 423 MB का ये कार ड्राइविंग गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम के ग्राफिक वगैरह आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। इस गेम के अंदर आपको 100 से ज़्यादा अलग अलग कार ड्राइव करने को मिल जाएगी, 15 से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट मैप्स अवेलेबल है, 18+ डिफरेंट चैलेंजिंग लेवल्स है जिनको कि आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड इस गेम के अंदर आपको मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाता है, तो आप रियल प्लेयर्स के साथ में भी गेम को एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको रेसिंग मोड देखने मिल जाएगा, फ्री राइड मोड देखने मिल जाएगा, करियर मोड देखने मिल जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ग्राफिक वगैरह काफ़ी डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं, साइज के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया गेम है। तो इस गेम को एक बार चेकआउट ज़रूर करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों इसमें नंबर 4th पे गेम आता है, उसका नाम है अल्टीमेट कार ड्राइविंग सिमुलेटर। इस गेम के साइज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 136 MB का गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड साइज़ के हिसाब से ग्राफिक की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के ग्राफिक आपको देखने मिल जाते हैं। तो बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड ड्राइविंग गेम आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड देखने मिलता है, तो आप इधर उधर घूम सकते हो। एंड चलते फिरते आपको जगह जगह पर मिशंस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। ग्राफिक वगैरह पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए इस गेम के। एंड साइज काफी ज्यादा कम है, तो आपके पास एक लो एंड डिवाइस हो और आप कार ड्राइविंग गेम खेलना चाहते हो तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना। कंट्रोल की बात करें तो बटन है, स्टेयरिंग है और टिल्ट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल एक काफी बढ़िया कार ड्राइविंग गेम आपको देखने मिल जाता है काफी कम साइज के अंदर। दोस्तों इसमें नंबर 3rd पे गेम आता है, उसका नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। तो अगर आप एक कार पार्किंग गेम को ढूंढ रहे हो या फिर आप मल्टीप्लेयर कार ड्राइविंग गेम को ढूंढ रहे हो तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना। साइज की बात करते हो तो 431 MB का ये गेम आपको देखने मिल जाता है। तो बेसिकली ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम है, जिसमें कि आपको मल्टीप्लेयर सपोर्ट देखने मिलता है। 100 से ज़्यादा अलग अलग कार्स आपको देखने को मिल जाती है इस गेम के अंदर, एंड 82 से ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग पार्किंग और ड्राइविंग लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं। आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो एंड आपको वॉइस चैट का फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो गेम काफी बढ़िया लगता है। ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो ग्राफिक भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं आपको। एंड इस गेम में आपको अलग अलग व्हीकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रक, पिकअप, स्पोर्ट्स कार, क्लासिक कार्स, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग व्हीकल्स देखने मिल जाएंगे ना, आप उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफ़ी बढ़िया कार ड्राइविंग गेम है, इस गेम को भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों इसमें नंबर 2 पे गेम आता है, उसका नाम है ड्राइव जोन ऑनलाइन। इस गेम के साइज़ की बात करते हैं 785 MB का ये गेम आपको देखने मिल जाता है। तो ये न्यूली लॉन्च कार ड्राइविंग गेम आपको देखने मिलता है, जिसमें कि आपको काफ़ी बड़ा ओपन वर्ल्ड देखने मिल जाता है। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड देखने मिल जाते हैं। गेम के अंदर काफ़ी सारे आपको मोड देखने मिलेंगे, जैसे कि रेसिंग मोड हो गया, ड्रिफ्ट मोड हो गया या फिर स्टंट मोड हो गया, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं। इस गेम की जो ग्राफिक की क्वालिटी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के देखने को मिल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग PC के अंदर एक रेसिंग गेम को खेल रहे हैं। तो ग्राफिक वगैरह पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया इस गेम के। कंट्रोल वगैरह की बात करें तो इसमें आपको स्टीयरिंग, बटन और टिल्ट तीनों तरह के कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसा गेम ढूंढ रहे हो जिसके ग्राफिक की क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिले, इन कार चलाने में मजा आए, तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना, काफी ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों इसमें नंबर 1 पे गेम आता है, उसका नाम है एस्पाल्ट नाइट्रो 2। इस गेम के साइज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 53 MB का कार रेसिंग गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम के जो ग्राफिक की क्वालिटी है वो लिटरली एकदम नेक्स्ट लेवल की आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको एस्पाल्ट 9 लेजेंड का मज़ा लेना है कम साइज़ के अंदर, तो इस गेम को एक बार चेकआउट ज़रूर करना। सिर्फ 53 MB का साइज़ आपको देखने मिल जाता है, एंड गेम के जो ग्राफिक है वो लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इस गेम में आपको काफ़ी सारी अलग अलग रेसेस देखने मिल जाती है, एंड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सुपर कार्स आपको ड्राइव करने को मिल जाएगी। और ग्राफिक सच में यार, फिर से कह रहा हूँ, ग्राफिक की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप एक अच्छा कार रेसिंग गेम ढूंढ रहे हो जिसका साइज़ आपको 100 MB के नीचे देखने मिल जाए, तो इसका एक बार चेकआउट ज़रूर करना। प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, 700 लाइक एम है तो कंप्लीट करवा देना। बस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।